हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या आप देख पा रहे हो बच्चों? बेटा राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? वाई फॉर यस एंड फॉर नो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो एवरीवन। बच्चों क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? बच्चों क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? बच्चों क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर, वेरी गुड, परफेक्ट। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। परफेक्ट 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 परफेक्ट। हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों? कैसे बच्चों? हाँ, आम आई ऑडिबल एंड विजिबल बच्चों? एक बार जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई कर दो, फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। रिप्लाई कर दीजिए, राइट वाई फॉर यस। चलिए परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। सब अच्छे बच्चों, एकदम परफेक्ट है। सब अच्छे बच्चों, एकदम। तो आज हम तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए चलिए। तो बच्चों एक बारी अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। विद इन 2 मिनट्स सभी बच्चे ज्वाइन कर ले, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये जो हम बात करें अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला पार्ट इज जस्ट सिमिलर टू कैपेसिटर वाला जो सर्किट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये हमें समझ में आ गया अच्छे से तो हम लोग उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। आवाज़ गूंज रही है? आवाज़ गूंजनी तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरा ये कमरा तो बड़ा। ओके, चलिए एक सेकंड रुकिए। चलिए एक सेकंड, अभी एक सेकंड, एक सेकंड रुको बच्चों। अभी बताइए, इज इट क्लियर नाउ? अभी बताइए, इज इट क्लियर नाउ? गुड इवनिंग एवरीवन, इज इट क्लियर बच्चों? गुड इवनिंग एवरीवन, इज इट क्लियर बच्चों? हाँ बच्चों, लास्ट रिप्लाई बताइए, इज इट क्लियर नाउ? इज इट फाइन? रिप्लाई बताइए, इज इट एवरीवन? इज इट फाइन? फाइन, परफेक्ट। चलिए फाइन, परफेक्ट। चलिए चलिए बच्चों। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बच्चों आज हम बात करने वाले सर्किट थ्योरी में, और सर्किट थ्योरी अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जहां तक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना एक्सेस में इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये हमें एक बार इस पर मास्टरी हो गई तो हम लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकेंगे, ना कि केवल रजिस्टर के केस में, बल्कि जो हम बात करेंगे जब हम लोग कैपेसिटर करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, तो हर पॉइंट पर ये वाला फैक्टर हमारा इम्पोर्टेंट रोल में आने वाला है। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो सर्किट थ्योरी में हम बात करेंगे बच्चों, आराम से समझना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना। सिंपली देखिए, तो रियलिटी में सर्किट थ्योरी में मुझे करना क्या बच्चों, मुझे तो है ना बेसिकली कोई भी एक सर्किट डायग्राम दे देंगे वो, और सर्किट डायग्राम में अभी के लिए जो कॉम्बिनेशन होने वाले हैं वो रेजिस्टेंस,
और बैटरी का होने वाला है। तो रेजिस्टेंस और बैटरी के कॉम्बिनेशन से कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना दे, हमें उसको रीड आउट करना आना चाहिए और हमें उसको सोल्व करना आना चाहिए, सिंपल। तो अगर हम बात करें बच्चों सर्किट थ्योरी के लिए, तो देखिए दो तीन चीज़ों को आपको याद रखना है। सबसे पहले जब भी हम सर्किट थ्योरी में देखेंगे तो हमें सबसे पहले या तो ऐसी वायर दिखाई देगी, इसको हम बात करेंगे लाइव वायर से, दिस इज योर लाइव वायर। सेकंड, आपको या ऐसी वायर दिखाई देगी बच्चों, अब जब भी ऐसी वायर मिल जाए यानी इट हैज सम रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 1 ohm 2 ohm, इट मे बी एनी ohm। और जब भी आपको ऐसी वायर मिल जाए बच्चों, इसका मतलब देर इज नो रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जीरो मान के चलेंगे। हालांकि रियल लाइफ में रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता, बट यहाँ पर हम बात मान के चलेंगे कि व्हेन वी आर डीलिंग विद कनेक्टिंग वायर से, यू कैन से लाइव वायर, तो इनके हर इनका रेजिस्टेंस जीरो है। अगर रेजिस्टेंस जीरो है बच्चों, तो ओम्स लॉ क्या कहती है, वी दिस इज इक्वल टू आई इनटू आर, एंड वी इज व्हाट, डेल्टा वी, बेसिकली इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों, ये दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डेल्टा वी इज नथिंग बट वी ए माइनस वी बी, दिस इज इक्वल टू आई इनटू आर। अब अगर लाइव वायर में रेजिस्टेंस जीरो है बच्चों, रेजिस्टेंस जीरो है तो यानी वी ए माइनस वी बी का प्रोडक्ट जीरो हो गया ना बच्चों, यानी वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि लाइव वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या मान के चलेंगे बच्चों, सेम। यानी अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट आ गया तो ये भी 10 वोल्ट पर है और ये भी 10 वोल्ट पर है। बट अगर उस वायर के बीच में ऐसा सिंबल बना आ गया बच्चों, यानी इट इज हैविंग सम रेजिस्टेंस, तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा बच्चों कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है ना। अब इस केस में वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी। दो पॉइंट समझ में आए आपको। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों, अगर आपको सर्किट के बीच में ऐसी मिल जाए, बेसिकली इट्स अ सिंबल ऑफ सेल। हम बार बार न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे कि बेसिकली ये एक बैटरी है, बैटरी है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा बच्चों। तो ये जो बड़े वाला डंडा होता है, दिस रिप्रेजेंट्स योर हायर पोटेंशियल, दिस इज योर हायर पोटेंशियल, और जो ये वाला होता है दिस इज योर लोअर पोटेंशियल, दिस इज योर लोअर पोटेंशियल। जल्दी बताइए क्या बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को, सर जी कुछ नहीं समझ में आ रहा। हेलो 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 हेलो, बेटे लेकिन मुझे तो सब क्लियर दिखाई दे रहा है बेटे, लेकिन मैं भी तुम्हारे सामने क्लास को देख रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे सामने क्लास, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं भी तुम्हारे सामने क्लास, मुझे तो क्लियर। अभी बताइए इज इट क्लियर नाउ, अभी बताइए इज इट क्लियर नाउ, हेलो हेलो एवरीवन, नहीं आवाज तो गूंज नहीं, वेट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए वेट कीजिए बच्चों, एक सेकेंड के लिए वेट कीजिए, होल्ड ऑन। हेलो, अभी बताइए बच्चों, नाउ आवाज क्लियर है, आप बताइए। अभी क्लियर है बच्चों, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलिए हाँ चलिए चलिए परफेक्ट। अभी हाँ परफेक्ट परफेक्ट, चलो चलो चलो, चलिए बच्चों चलिए, अब डाला एकदम कोई दिक्कत,
चलिए चलो, तो हमने बात करी सर्किट थ्योरी के बारे में। हम बात कर रहे हैं बच्चों सर्किट थ्योरी को दोबारा देखिए कि रियलिटी में हम सर्किट में ये तीन वायर्स के साथ डीलिंग करने वाले हैं। एक जिसको हम लाइव वायर के साथ बोलेंगे, एक जिसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा और एक कुछ में एक ऐसी बैटरी का सेल का सिंबल बनने वाला है। तो अगर कोई हमारे पास ऐसी वायर मिल जाए, यानी इसका मतलब डायरेक्ट वायर है, लाइव वायर का मतलब आपको समझ में आ गया बच्चों कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने वाला। ध्यान रखना बच्चों इस पॉइंट पर, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने वाला है। दूसरी बात, अगर वायर में रेजिस्टेंस आ जाए तो उसके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, अब सेम नहीं होगा। और तीसरी बात, अगर ऐसा सिंबल मिल जाए तो बेसिकली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। तो बैटरी में हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो हाइयर लंबे वाला डंडा है, दिस विल रिप्रेजेंट योर हाइयर पोटेंशियल एंड दिस विल रिप्रेजेंट योर लोअर पोटेंशियल। तो अगर मैंने बोला कि ये सेल है या बैटरी है मेरे पास 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट का मतलब क्या होगा बच्चों कि दियो जो 10 वोल्ट है ना, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हाइयर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। इन दोनों का डिफरेंस है। और डिफरेंस को कैसे निकालते हो, जल्दी बोलो बच्चों, डिफरेंस को कैसे निकालते हो? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। जल्दी बताइए बच्चों, इतना चीज समझ में आई? अभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी आवाज में, जल्दी बताइए। राइट आई फोन या सेलफोन हो, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आप सही है, वेरी गुड परफेक्ट। चलो आगे बच्चों, आप सुनो आप सही है, मैं बार बार फोन नहीं दे पूंगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ विजिबल है, क्लियर है एकदम। चलिए अब बात करते हैं बच्चों हम न्यूमेरिकल्स के आगे जल्दी जल्दी। देखिए अब बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, हम लोगों को यहां पर बात करनी है सर्किट थ्योरी, एंड सर्किट थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमें मेन इसकी पकड़ने है, मेन प्रॉब्लम को पकड़ना है। हमें क्या करना है, हमें रियलिटी में हर एक रेजिस्टेंस की अक्रॉस, हर एक रेजिस्टेंस बेसिकली इट्स अ वायर, इट्स अ ब्रांच। अब यहां पर ना तीन वर्ड्स के बारे में डील करने वाले बच्चों, व्हाट इज योर ब्रांच, व्हाट इज योर नोड और जंक्शन, एंड व्हाट इज योर लूप। आराम से सुना, अब ब्रांच क्या होती है, बेसिकली इट्स अ वायर। वायर के बारे में आप बात करो, कोई भी घर में वायर उठा लो, चार्जर की वायर, कैसी भी कनेक्टिंग वायर उठा लो, वो पूरी की पूरी जो भी वो वायर होगी ना, उसको हम बोलते हैं आपके पास ब्रांच। अच्छा मान लो एक वायर, तो इस वायर को मैं ऐसे भी मोल्ड कर सकता हूँ ना, ऐसे बेसिकली एक वायर उठाई मैंने, तार जिसको हम बोलते हैं, उस तार को देखा हमने, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल वायर। इसको मैं लंबा कर दूं, इसको मैं बोल्ड कर दूं, मेरी मर्जी जैसा मुझे करना है कर सकता हूँ, कोई परेशानी का बात नहीं है। तो इट्स अ ब्रांच। जो ये नोड या जंक्शन होती है, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वायर्स। यानी आप लोगों ने घर में देखा होगा जहाँ दो या दो से ज्यादा वायर्स एक साथ मिल जाती है और हम लोग टेपिंग करते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं हम नोड या जंक्शन, है ना। तो जहाँ दो से ज्यादा वायर आपकी मिल जाती है, ये मिल गई वायर, तो ये हमारे पास एक जंक्शन बना, इट्स अ जंक्शन, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये भी एक जंक्शन है, जे फोर जंक्शन, जंक्शन वन एंड जंक्शन टू। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने के लिए जो रास्ता मुझे चाहिए बच्चों, जिस रास्ते से मैं चलने वाला हूं, दैट इज आल्सो नोन एज ब्रांच। इसको भी ब्रांच बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ब्रांच। तो ये हमारे पास एक ब्रांच बनी बी वन, ये हमारे पास एक ब्रांच बनी बच्चों बी टू, और ये हमारे पास एक ब्रांच बनी बी थ्री। ध्यान से सुना बच्चों, ब्रांच एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने के लिए जो हमें रास्ता चाहिए होता है, करंट बेसिकली हम बात करेंगे करंट को दौड़ाने के लिए, तो जो करंट को रास्ता चाहिए होता है वो क्या बनता है बच्चों, ब्रांच। चलिए अब ये तो लूप, लूप का मतलब आपको समझ में आ गया, बेसिकली इट्स अ क्लोज पाथ। तो अगर हम बात करें J1 से चले, चलते 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 हम वापसी J1 पे आ गए, तो इट्स अ क्लोज पाथ, हम कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड करेगा हमारी मर्जी पर। अच्छा इस सर्किट थ्योरी का ना सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ये आपके अकॉर्डिंग काम करने वाली है, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपको करना है कि आपको ये वाली लूप लेके चलनी है तो ये वाली लूप लेके चलो, आपको चाहिए ये वाली लूप लेके चलनी है ये वाली लूप लेके चलो। आपको करंट को राइट की डायरेक्शन में दौड़ाना है, राइट की डायरेक्शन में दौड़ाओ, आपको करंट को लेफ्ट की डायरेक्शन में दौड़ाना है, लेफ्ट की डायरेक्शन में दौड़ाइए।
कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, टोटली जो भी होगा ना सब चीजों में आपका आपकी मर्जी चलने वाली है, जैसा आप मान के चलेंगे। अगर जो आपने माना उसके अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो जो आपने माना वो सही माना, अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। जल्दी बताओ बच्चों क्या ये तीनों चीजें समझ में आएगी, ब्रांच, नोड, जंक्शन। नोड को ही जंक्शन भी बोलते हैं, लूप। अभी याद तो आप लोगों ने जब भी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो रेलवे स्टेशन पे भी आप लोगों ने देखा होगा रेलवे जंक्शन है ना, जैसे दिल्ली रेलवे जंक्शन है और निजामुद्दीन रेलवे जंक्शन है। तो दिल्ली रेलवे जंक्शन से निजामुद्दीन रेलवे जंक्शन को जो पटरी है जिनको हम ट्रैक बोलते हैं रेलवे ट्रैक, उनको ब्रांच बोलते हैं। याद करो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जितनी भी ट्रेनें एक साथ आ सकती है, जैसे 16 ट्रेनें आती हैं, तो जब वो 16 की 16 ट्रेनें चलेंगी तो नेक्स्ट 16 ट्रेनें आने वाली है। ऐसे नहीं कि एक के ऊपर एक ट्रेन खड़ी हुई है, तो एक ब्रांच में एक टाइम पर हम ये मान के चलेंगे कि एक ही करंट फ्लो कर रहा है, वेदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब समझ में आ गया बच्चों, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो दिस इज क्लॉकवाइज सेंस, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये तीन जल्दी बताइए, ये तीन वर्ड समझ में आए बच्चों, ब्रांच, नॉट एंड लूप। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, फाइव करिए सिंपल हो, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, चलिए इतना समझ में आ गया, परफेक्ट परफेक्ट। आप लोग तो बस बच्चों यहाँ पर है ना ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, नोट्स वगैरह आई विल शेयर यू, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। चलिए अब अगर हम बात करें, ये चीजें समझ में आ गई तो अब और अच्छी बात देखिए, अब जो सिंपल सी बातें करेंगे हम लोग, तो हमें ब्रांच समझ में आ गई, हमें लूप समझ में आ गई, हमें नोड समझ में आ गया, इस तरह से जंक्शन समझ में आ गया। आइए अब एक वर्ड और देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास मान लो हमारे पास ऐसे बैठी है, ध्यान से सुना बच्चों, ये बेसिकली इट्स अ ब्रांच, ये ब्रांच का ए पॉइंट है, ये वायर का बी पॉइंट है, और ये एक रेजिस्टेंस है, और ये एक सेल लगा दिया रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस आर ओ मान लिया और पोटेंशियल डिफरेंस बी मान लिया। अब बच्चों इसमें हो सकता है करंट ऐसी डायरेक्शन दे दिया हमें, कोई भी डायरेक्शन दे दिया हमें, कोई मतलब नहीं है, मान लो करंट जा रहा है आई, हमसे बोला जाता है फाइंड फाइंड बी ए माइनस बी बी और बी बी माइनस बी ए, कुछ भी निकाले बच्चों, हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, हमें तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें पकड़नी है। देखो दो मिनट, पहली बात तो अगर मैं करंट के बारे में बात करूं तो कन्वेंशनली ये माना गया है जिधर पॉजिट्रॉन दौड़ेगा ना, पॉजिट्रॉन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दौड़ेगा ना वही डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा, या इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है। अब याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है यानी यू कैन से हायर पोटेंशियल है एंड दिस इज अ लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी बच्चों, पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी नेगेटिव पर टर्मिनेट होती थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन होती, यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो बेसिकली इस पर फोर्स कितना लगेगा q into e किधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना बच्चों अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दौड़ेगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दौड़ेगा तो करंट किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कन्वेंशनली ऐसा माना गया है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ध्यान रखना बच्चों टू लोअर पोटेंशियल। अब इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, देखिए अगर करंट यहां से ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो यानी रेजिस्टेंस का ये वाला एंड हायर बना यानी पॉजिटिव बना, और रेजिस्टेंस का ये वाला एंड यानी लोअर बना नेगेटिव बना, ये याद रखना, ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बैटरी का ये वाला बड़ा वाला टर्मिनल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन एंड नेगेटिव इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, प्लीज मेक श्योर ये वाले पॉइंट से याद रखो। सोचो अगर ये मेरे पास केवल उनकी रेजिस्टेंस और मुझे करंट ऐसे दे दिया गया, करंट ऐसे दे दिया गया, जल्दी बोलो ये वाला पॉइंट हाइयर पोटेंशियल बना, करंट हाइयर से लोअर की तरफ चलेगा, और ये वाला पॉइंट क्या बना बच्चों लोअर पोटेंशियल। सिंपल से बारे में बात करो बच्चों, यहाँ पर बी ए है, ये बी है आपके पास,
याद करो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? सिंगुलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडिड एंड कैन बी सबट्रैक्टेड। सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इक्वेट भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, याद करो 11th में आप लोगों ने पढ़ा था l + l मस्ट बी इक्वल्स टू l, समझ में आया था? लेंथ में हमने लेंथ को ही ऐड किया था और लेंथ ही आंसर आया था। तो रियलिटी में ऐसे आप यहां पे भी करोगे। देखिए, अब a का पोटेंशियल अगर मैंने मान लिया, v का पोटेंशियल भी मुझे पता लग गया, तो मुझे यहां पे देखना ओम्स ने क्या बोला था, v इक्वल टू i। या तो v बेसिकली आपको सेल गिवन होगी तो उसका पोटेंशियल डायरेक्ट पता लग जाएगा, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, इट मे बी एनी वोल्ट। अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है वो इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। बच्चों आई इनटू आर, ध्यान से सुनना। मान लो कि यहां से चलने यहां तक पहुंचना है तो v, मान लिया मैंने इसका पोटेंशियल v है और कहां तक पहुंचना है बच्चों, vv पे, इक्वल टू लगाओ जहां से चलना है और जहां तक पहुंचना है इक्वल टू। अब ये देखो बीच में रेजिस्टेंस आ गया, बीच में क्या आ गया रेजिस्टेंस। अब ध्यान से रखना, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए हो, यानी आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गए हो, यानी पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ गया है। आप नेगेटिव में बैलेंस चल रहा था, सडनली आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए तो आपका प्लस हो गया ना अकाउंट, तो यहाँ पे प्लस रखो। कितना प्लस हुआ है सर? जितना पोटेंशियल इसका हुआ है, इसका पोटेंशियल कितना हुआ है सर? आई इंटू आर, ऑक्स ने यही तो बोला है। तो आई बोल रहा सर्किट में करंट आई, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो आई इंटू आर। कहाँ पहुंचे बच्चों? वीवी पर। तो हमसे क्या पूछा जाएगा? ज्यादा से ज्यादा वीए माइनस वीबी पूछा जाएगा या वीबी माइनस वीए पूछा जाएगा, कुछ भी पूछो हम निकाल सकते हैं। सिंपली जिस पॉइंट से चलना है और जिस पॉइंट तक जाना है, तो जहां से चलना है वहां पर उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मान लो, जहां पर जाना है उस पॉइंट का भी पोटेंशियल मान लो। हमें बेसिकली यही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो एक पॉइंट से चलना है, दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है। अब ये देखो कि आपने पोटेंशियल वहां तक जाते हुए कैसे गए हो आप? क्या आप नेगेटिव से पॉजिटिव गए हो, यानी लोअर से हाईर है, तो हाईर है तो प्लस है। उल्टा भी हो सकता है सर। अगर सर मैं यहां से यहां जाऊं तो देखिए, इसमें यहां से यहां जाऊं तो वीए कैसा साइन आ जाएगा? अब सर अकाउंट में 10,00,000 थी, सडनली मैं करप्ट हो गया, हम तो जीरो पे आ गए, तो लो हो गया, नेगेटिव आ गया, तो अब नेगेटिव साइन आ जाएगा। जल्दी बताइए, इतना समझ में आया बच्चों कि अगर रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस साइन लिखेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस साइन लिखेंगे। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, वाई फोर ये सेल फोर नो। जल्दी बताइए बच्चों, इतना समझ में आया आपको? हाँ, एक बार और बोल देता हूँ। देखो सिंपली बात मैंने क्या बोली बच्चों, आपको सिंपली समझो कि मैंने बोला, मान लो, आराम से सुनो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना, स्टेप बाय स्टेप समझ के चलोगे तो सर्किट छोड़ी कुछ भी नहीं है। हमने बोला देखो, ऐसे दो एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। मान लो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, मुझे ए से बी तक जाना है, बीच में रेजिस्टेंस है, करंट आई चल रहा है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ये आपकी मर्जी बच्चों। तो यहां से स्टार्ट किया, इसका पोटेंशियल मैंने ए मान लिया, भाई मुझे बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो अपने आप मान लो ना, इसका पोटेंशियल बी ए है तो ए मान लिया, इसका पोटेंशियल बी है, जहां पे पहुंचना है इसको बी भी लिख दो। मैंने ये बोला कि ए से बी तक चलते हुए आपने बीच में कौन आया, रेजिस्टेंस, तो आप देखो कहां से कहां जा रहे हो, प्लस, जहां करंट एंटर करेगा वो हायर पोटेंशियल, जहां से करंट निकलेगा वो लोअर पोटेंशियल। तो आप चलते हुए कहां से कहां हैं, प्लस से माइनस, यानी माइनस साइन, घट गए हो आप, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो नेगेटिव साइन। कितना ड्रॉप हुआ है सर? आई इनटू आर, ऑन सो आई इनटू आर, दैट्स इट। यानी अगर कोई मेरे से बीए माइनस बी पूछे तो कितना आ गया बच्चों? आई इनटू आर। अब उल्टा चलो बच्चों, अगर सेम इसी वायर में सेम आपके पास करंट ऐसे फ्लो करे सर, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया बच्चों। अब मुझे दोबारा यहां से चलना है तो ये भी ये लिखो। अब देखो आप माइनस से प्लस जा रहे हो, माइनस से प्लस यानी आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो प्लस कितना आई इनटू आर, रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट आई है, कहां पहुंचे बच्चों? वीबी पर। जल्दी बोलो बच्चों, यस या नो, इतनी चीजें समझ में आई? जल्दी जल्दी प्लीज डू रिप्लाई बाय राइटिंग वाई फॉर यस एंड फॉर नो, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। अब अगर बीच में हमें एक सेल मिल जाए, एक बैटरी मिल जाए तो कोई इशू नहीं है सर। दोबारा देखो, मान लो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है,
यहां से चलना है यहां तक, ए से बी तरीका वो ये, जहां से चलोगे वहां पर भी ये लिखो, जहां पे जाना है इक्वल टू ये भी लिखो, फिर ये बैटरी का ये वाला डंडा हमेशा हायर पोटेंशियल रहेगा बच्चों, लोअर डंडा हमेशा लोअर पोटेंशियल रहेगा। तो अब ये चेक करो कहां से कहां गए, हायर से लोअर, हायर से लोअर, कितना लोअर, माइनस जितना सेल है बच्चों 10। यही तो गिवन है, ये माइनस भी वैसे भी बोल सकते थे हम 10 वोल्ट है। चलिए उल्टा चलो, यहां से चलो बच्चों बीबी से, बीबी से देखिए कहां से कहां चले, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो यहां पे प्लस लिखो बच्चों, माइनस से प्लस, प्लस कितना प्लस है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है 10 कहां पर आ गए बच्चों, बीए पर। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये दो चीजें समझ में आई आपको, जल्दी जल्दी दो इंप्लाइंग भी बायनरी माइक्रोवेव को लो जल्दी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। आइए बच्चों अब जब इतनी चीजें समझ में आ गई, देखिए अब हम थोड़ा कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं कि सर हमें एक रेजिस्टेंस बैटरी और एक रेजिस्टेंस, आराम से सुना, और फिर यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी बताने वाला हूं। हमने बोला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बी से डी की डायरेक्शन में, अगर करंट आइए बच्चों ये रेजिस्टेंस आर वन है, ये बी है, ये आर टू है। सबसे पहले क्या करो, मार्किंग करो बच्चों प्लस माइनस की, चलिए जल्दी स्टार्ट कीजिए। करंट यहाँ पे चल रहा है ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, करंट ऐसे चल रहा है ये प्लस ये माइनस। यहाँ से चलो बच्चों, यहाँ से चलो बी तक पहुंचते, जल्दी जल्दी हेल्प कीजिए। बी ए माइनस से प्लस चल रहे हैं, माइनस से प्लस चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस कितना बच्चों, आई इंटू आर, आई इंटू आर कितना लिखेंगे बच्चों, आई इंटू आर, देखो आई ये रहा आर वन ये रहा, तो आई इंटू आर वन, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस चलेंगे बच्चों, प्लस से माइनस, तो बोलो कितना लिखेंगे जल्दी बताइए, प्लस से माइनस, तो माइनस बी, फिर माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस आई इंटू आर टू, कहां पहुंचे बच्चों बीबी पर। सॉल्व कर लो, बी ए माइनस बी बी पूछे, बी बी माइनस बी ए पूछे, हमें कोई टेंशन नहीं है। जल्दी बताइए क्या ये इक्वेशन लिखनी आई बच्चों आपको, राइट वाई फॉर एस एंड फॉर नो, हरि ओम। चलिए अब मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सिखाता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, मान लो बच्चों यहां पर हमने 2 ओम लिया, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको बहुत छोटे फॉर्मेट में भी लिखना सिखाऊंगा। ये हमारे पास एक सेल लगी और ये बात हमारे पास 2 ओम, ये फॉरवर्ड मान ली, ये 1 ओम मान ली, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक बच्चों। सिंपल सी बात मान लो कि मान लो यहां से करंट जा रहा है 2 ओम, 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर का करंट इसमें गया। चलिए अब दोबारा चलो बच्चों, यहां से एंटर किया प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, चलो बच्चों स्टार्ट करो, वी ए प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस, प्लस माइनस, माइनस, 2 इंटू 2, आई इंटू आर 4, प्लस से माइनस, माइनस कितना बच्चों 4, प्लस से माइनस, माइनस 2 एम्पियर करंट था बच्चों, और 1 इसका ओम है, तो माइनस 2 इंटू 1, 2 इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी देखो बच्चों कितना है, वी ए माइनस वी बी कितना है बच्चों 10 वोल्ट। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये लिखना समझ में आया आपको, सभी बच्चे राइट माई फोर ये सेंड फोर नो, हरी अप। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलिए अब आगे चलिए बच्चों, आगे चलते हुए एक चीज बताओ मुझे बच्चों, जैसे हमसे बोला गया कि मान लो ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और यहां पे करंट आई बोले तो 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा, 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा। अब बच्चों लिखो एक बार ये माइनस वी बी, लिखे दिखाओगे ये माइनस वी बी, तो ये प्लस बना, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो वी ए से स्टार्ट करो बच्चों, तो प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, प्लस से माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3, दिस इज प्लस 2 वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना आया बच्चों 5। अब जब ये 5 आया ना, तो एक बच्चे ने बहुत बेसिक सा लॉजिक लगाया, वो लॉजिक सुनिए क्या,
कि सर देखिए जो आपने ये टू और थ्री अलग अलग लिखे थे, ये टू और थ्री हमने अलग अलग लिखे थे, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या बच्चों कि यहाँ पे 5 ओम का एक रेजिस्टेंस मान लो, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस मान लो और इसमें करंट मैंने 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस मान के 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, तो बच्चों ने बोला कि सर ए से बी चलाओ, ए से बी करते हैं बच्चों दोबारा से, तो ये प्लस बना ये माइनस बना, तो यहाँ से बी ए प्लस से माइनस माइनस 5 × 1 5 दिस इज क्लोज टू वी बी, तो अभी भी देखो वी ए माइनस वी बी कितना आया बच्चों, अभी भी वी ए माइनस वी बी 5 वोल्ट आया। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। अब एक बच्चे ने बोला कि सर मैं इसको ऐसे मैं लिखे ऐसे तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनो क्या लाइन बोल रहा हूँ कि किसी भी एक ब्रांच में, किसी भी एक ब्रांच में बच्चों आप जितने भी रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं, जितने भी रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं चाहे सेल के इधर हो चाहे सेल के उधर हो, आप उन सबको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हो, सिंपली उन सबको ऐड कर दो। मान लो ये आर वन था बच्चों, ये आर टू था, तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा बच्चों, ये सेल रखाओ यहाँ पर, एक सेल रखो और यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस कितना रख दो बच्चों, आर वन प्लस आर टू। ध्यान रखना एक ब्रांच में आप सर्किट में एक ब्रांच में आप रेजिस्टेंस को बैटरी को रीशफल कर सकते हो, यानी रेजिस्टेंस बैटरी से पहले भी लगा सकते हो, रेजिस्टेंस बैटरी के बाद में भी लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, जैसे आपको लगे ना कि न्यूमेरिकल की अप्रोच ही बनाना हमारे लिए कैसे कन्वीनियंट है। तो दिस इज पहला मेथड कि अगर हमें लगे कि सर मैं रेजिस्टेंस को रीशफल कर सकता हूँ, सेल को रीशफल कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। जल्दी बताइए बच्चों ये पॉइंट समझ में आया क्या, जल्दी बताइए बच्चों ये पॉइंट समझ में आया क्या कि हम लोग रेजिस्टेंस को रीशफल कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलिए तो जब ये चीजें हमें समझ में आ गई तो देखिए अब कितना सिंपल बना हमारे लिए। अब देखिए अब हमें बस ये याद रखना कि एक ब्रांच में हम सेल्स को और रेजिस्टेंस को रीशफल कर सकते हैं। जल्दी जल्दी देखना आप कोई लंबी सी सेल मिल जाए आपके पास ऐसी, कैसी भी ब्रांच मिल सकती है बच्चों। अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे बस, आर वन आर टू आर थ्री। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सेल्स ऐसी बनी रहने दो, ये सेल्स को ऐसी बना लो और इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लिख दो बच्चों, एक रेजिस्टेंस जिसमें आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इनकी जगह कोई भी एक आर मान लिया। इससे देखिए क्वेश्चन को और इजी बना दिया। अभी रुकना, अभी हम इनको भी इक्विवेलेंट बनाएंगे, अभी इनको भी सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है कि पहली बात तो ये मुझसे डर निकाल दो कि सर इधर लगाओ या इधर लगाओ। आप कहीं भी लगा सकते हो आपकी मर्जी, चाहे आप राइट में लगाओ चाहे आप लेफ्ट में लगाओ, उससे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले कि एक ही ब्रांच एक होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग अलग ब्रांच के रजिस्टेंस को एक साथ जोड़ दो ना, दैट इज नॉट डन। तो आपको एक ही ब्रांच के रेजिस्टेंस को जोड़ना है, किधर भी जोड़ दो, बैटरी से पहले लगाओ या बैटरी के बाद में लगाओ। अब देखिए अब अगर बहुत सारी सेल्स लगी आ गई तो सर, तो सेल्स को भी ऐसे सोल्व करते हैं। देखो बच्चों इधर देखिए, मान लो हमारे पास ये एक सेल आ गई, दिस इज ई वन दिस इज ई टू, ध्यान से सुना, दिस इज ई वन दिस इज ई टू, या अभी के लिए वी वन वी टू मान लो, वी वन वी टू, चलो स्टार्ट करो, ए से चले बी तक, बी ए प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस से माइनस चले माइनस, कितना माइनस बच्चों वी वन, माइनस से प्लस चले प्लस, कितना प्लस बच्चों वी टू, कहाँ पहुंचे बच्चों वी बी। तो आपके पास वी ए माइनस वी बी क्या बना बच्चों, वी ए माइनस वी बी, ध्यान से देखना उधर जाके वी वन प्लस हो जाएगा वी टू नेगेटिव हो जाएगा। अब प्लीज पे अटेंशन बच्चों, प्लीज पे अटेंशन, अगर ये आंसर प्लस आया, अगर वी वन माइनस वी टू प्लस आया, ध्यान से सुना वी वन माइनस वी टू प्लस आया, इसका मतलब क्या है कि वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, इसका मतलब क्या है v1 is greater than v2, तो सर क्या करें, तो आपको वैसी से इक्विवेलेंट, इसकी सेल इक्विवेलेंट इसके पर ऐसी इसके जैसी बन जाएगी। देखिए कैसे, प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा, ये कब है, इफ v1 is greater than v2, तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, v1 minus v2। अगर ये वाली है जो नेगेटिव आई, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, अगर ये वाली नेगेटिव आई, वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब v2 is greater than v1,
और वी टू इज ग्रेटर देन वी वन का मतलब अब क्या है, अब बैटरी ऐसी बन जाएगी इक्विवेलेंट बैटरी, यानी इफ वी टू इज ग्रेटर देन वी वन तो बैटरी कैसी बन जाएगी, नेट बैटरी ऐसी बन जाएगी बच्चों, जिसका समेशन कितना रहेगा वी वन माइनस वी टू। जल्दी बताओ बच्चों क्या ये चीजें समझ में आई आपको, कि अगर आपके सर्किट में दो या दो से ज्यादा सेल्स दे दी जाए तो उन सेल्स को भी आप लोग कर सकते हो। जल्दी बताइए बच्चों आया क्या समझ में, राइट वाई फोर यस एंड फोर नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखो बच्चों, अगर ये सब कहानियां हो गई है, अब हम अपनी सर्किट थ्योरी को और आगे लेके चलते। देखो बच्चों, अब एक छोटे से न्यूमेरिकल से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास एक ऐसा सर्किट दे दिया, आराम से सुना बिल्कुल, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये कोई भी स्टार आपके पास सर्किट दे दिया, मान लो इसकी बैटरी V1 है, R1 है, R2 है, V2 है, R3 है, V3 है, ठीक है। इसमें करंट दे दिया बच्चों हमारे पास, जैसे ये I1 करंट है। अब देखो ये जो जंक्शन बनाना हो, ये जंक्शन है बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट लॉ समझो जिसको हम बोलते हैं KCL या जंक्शन लॉ। KCL क्या कहते हैं, KCL का मतलब होता है Kirchhoff करंट लॉ। बेसिकली Kirchhoff अपने एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे KCL रखा गया, KCL Kirchhoff करंट लॉ या जंक्शन लॉ। क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, डे-टू-डे लाइफ से एग्जांपल समझो, किसी भी एक जंक्शन पे जितनी ट्रेनों की, जितनी ट्रेन, मतलब हम लोगों ने बोला कि इस जंक्शन पे 16 ट्रेनें आ सकती है, तो जितनी ट्रेनें आएंगी उतनी ट्रेनें जाएंगी भी। भाई 16 ट्रेनें आई तो 16 जाएंगी, फिर वापसी 16 आएंगी। तो जितना बेसिकली क्या बोला गया, जितना जंक्शन पे करंट आएगा ना, उतना ही अल्टीमेटली करंट जाने वाला है, यानी जंक्शन पे आने वाला करंट इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला करंट। यानी मान लो यहाँ से अभी देखो ये तीन ब्रांचेस हो गए ना, एक ब्रांच, दो ब्रांच और तीन ब्रांच, एक ब्रांच ये ली, एक ब्रांच ये ली, एक ब्रांच ये ली। जंक्शन से जंक्शन तक जाने के लिए तो ब्रांच ही होती है हमारे पास। अब इसमें जंक्शन लॉ क्या बोलता है कि इस जंक्शन पे जितना करंट आएगा, मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ करूं, यहां से 2 एम्पीयर आ रहा है, यहां से 5 एम्पीयर आ रहा है, तो खुद बताओ इसमें कितना एम्पीयर जाएगा, 7 एम्पीयर जाने वाला है, 2 यहां से 5 यहां से, तो ये 7 एम्पीयर हो गया। तो जितना करंट जंक्शन पे आया उतना ही करंट जंक्शन से गया, तो करंट एट जंक्शन कितना बना, 0, बचा कितना, 0, जितना आया तो उतना गया, सिंपली। यानी जंक्शन पे चार्ज एक्युमुलेशन नहीं होता, ध्यान रखना बच्चों कि जंक्शन पे चार्ज एक्युमुलेशन नहीं होता। अब इसी को हम देखो कैपेसिटर में कैसे पढ़ेंगे, कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, जंक्शन पे आने वाला चार्ज इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला चार्ज, जितना चार्ज जंक्शन पे आएगा उतना चार्ज जंक्शन पे जाएगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका एक और नाम है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी अगर आपने आने वाले करंट को पॉजिटिव माना, आपने आने वाले करंट को पॉजिटिव माना, तो जाने वाला करंट कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि नेट सम जीरो होना चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे I1 है बच्चों, ये I2 है बच्चों, ये I3 है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 इसके बराबर होना चाहिए बच्चों, जीरो के बराबर। तो आने वाला मस्ट बी इक्वल टू जाने वाला, अगर आया 5 तो जाएगा भी 5, आया 7 तो जाएगा भी 7। जल्दी बताइए बच्चों ये चीज समझ में आई क्या, राइट वाई फोर यस एंड फोर नो, आगे बच्चों, वेरी गुड। यानी बस एक लाइन याद रखनी है आपने, जंक्शन पे आने वाला करंट मस्ट बी इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला करंट, दैट्स इट। चलिए बच्चों, अब अगर ये चीजें समझ में आ गई बच्चों, तो आज का न्यूमेरिकल नंबर 1, पहला न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत बेसिक सी बातों पर याद रखेंगे बच्चों। चलिए देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, मान लो अब ध्यान सुना, एक न्यूमेरिकल है बहुत अच्छा सा,
हमें ये एक सर्किट दे दी है ना बच्चों, दिस इज अ सर्किट, और इस सर्किट में ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है और ये 2 ओम है। बहुत सिंपल सा सर्किट है, बोला गया फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। पहली बात तो जंक्शन, ब्रांच और लूप हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, जहां दो से ज्यादा वायर आकर मिलती है उसको हम जंक्शन बोलते हैं बच्चों। तो एक जंक्शन ये बना बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया J1। एक जंक्शन मेरे पास ये बना बच्चों, इसको नाम दे दिया मैंने J2। सिंपली कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रेशर होने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए क्या बोला हमने कि सबसे पहला स्टेप सुनो, फाइंड लाइव वायर। और समय के साथ ये चीजें अपने आप दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों, टेंशन मत लेना। लाइव वायर समझ में आ गया, बेसिकली हम कनेक्टिंग वायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कनेक्टिंग वायर क्या होती है बच्चों, जल्दी बताइए। ये हमारे पास एक लाइव वायर है, दिस इज अ लाइव वायर, है ना, ये एक लाइव वायर है, ये एक लाइव वायर है, समझ में आ गया। लाइव वायर का मतलब रेजिस्टेंस 0। चलिए अब दूसरा स्टेप सुनो कि पूरे सर्किट में कहीं पर भी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, पूरे सर्किट में कहीं पर भी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लो बच्चों, 0। क्या मान लो बच्चों, 0। किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो बच्चों, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लो, 0। फिर उसके बाद क्या आएगा, अब हमें क्या करना है, हमने तो बेसिक सा रूल ये है कि देखो करंट निकालना है, करंट के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, ये एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, है ना। बेसिकली क्या, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू आई आर। बेटे समझ में आ रहा है आपको? हेलो, बेटे आप सुन पा रहे हो मुझे? परफेक्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। चलिए, हाँ वेरी गुड। परफेक्ट। चलिए बच्चों आ जाओ, तो हमने एक बात कर ली कि अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइव वायर को ढूंढना है, पॉइंट नंबर 1। फिर पूरे सर्किट में जहां आपका मन करे वहां पर 0 मान लो। क्यों मानने का रीजन बताता हूं, क्योंकि हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरी मर्जी, याद करो हमने बोला था कि ये आपके पास एक सेल है, मान लो सर 8 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरी मर्जी मैं यहाँ पर 8 मानूं, यहाँ पे 0 मानूं, या मेरी मर्जी यहाँ पे 6 मानूं, यहाँ पे -2 मानूं, अल्टीमेटली इनका पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। तो पोटेंशियल मैं कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर मान सकता हूँ कोई भी, तो मुझे 0 मानना बहुत ही कन्वीनियंट है, तो मैंने 0 मान लिया। अब दूसरा तीसरा स्टेप सुनो, अगर मुझे रेजिस्टेंस के एंड के अक्रॉस दो एंड्स से दोनों एंड्स के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल पता लग गया, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। सर पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, आर की वैल्यू पता है, तो आई तो निकाल लो, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, आई का फॉर्मूला हो जाएगा V/R। यानी अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, मुझे तो रेजिस्टेंस के दोनों एंड के अक्रॉस पहुंचना है सर, दोनों एंड के अक्रॉस रेजिस्टेंस के पहुंचना है, दैट्स इट। अब देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 मान लूं, सिंस दिस इज अ लाइव वायर, तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ठीक है बच्चों, यानी रेजिस्टेंस के इस एंड के अक्रॉस 0 वोल्ट। अभी एक बार बताओ, अब यहां से यहां तक आओ, देखो 0 से चले हो, 0 से चले हो, माइनस प्लस, 0 से चले तो माइनस प्लस प्लस, याद करो अभी भी सिखाया था आपको कि ए से चले हो, देखो कहां से कहां चले हो, प्लस चले हो तो प्लस कर दो, प्लस से माइनस चले हो तो माइनस कर दो, माइनस से प्लस चले हो तो प्लस कर दो, तो आप कहां से चले हो, 0, तो 0, ये 0 है नॉट ओ, दिस इज 0। 0 से चले, माइनस से प्लस तो प्लस, कहां पे पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों, 0 प्लस 5, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट आ गया। देखो हम रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पर पहुंच गए, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल पता लग गया 5। अब इधर आओ, यहां 0 से चले बच्चों, तो माइनस से प्लस,
तो प्लस कितना, जीरो प्लस टेन, जीरो प्लस टेन, तो इस पॉइंट ऑफ प्रेशर कितना होगा बच्चों, टेन वोल्ट। देखो ये भी पूरी की पूरी लाइन है, तो ये टेन वोल्ट है, तो ये भी टेन वोल्ट है बच्चों, ये भी टेन वोल्ट है। सिंपल सी बात देखो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस टेन वोल्ट जीरो वोल्ट, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसके अक्रॉस टेन वोल्ट फाइव वोल्ट, तो मुझे तो काम हो गया, समझ में आ गया। तो बताइए इस वाली लाइन में कितना करंट है बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, 10 माइनस 0, यानी 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये कितना रेजिस्टेंस है 2, तो 2, तो कितना करंट बना बच्चों, 5 एम्पीयर। तो सर इस वाली ब्रांच में तो करंट बना 5 एम्पीयर। इसमें देखो, और कहां से कहां चलेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो एरो नीचे लगाया मैंने, ध्यान रखना एरो नीचे लगाया। अब इधर देखो बच्चों, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 10 माइनस 5, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5, यानी इस वाली वायर में भी हाई से लोअर 2.5। ध्यान से देखो, इस वाली ब्रांच में करंट कितना आया बच्चों, 5 एम्पीयर, इस वाली ब्रांच से कितना करंट आया बच्चों, 2.5 एम्पीयर। तो ये जंक्शन है, जंक्शन पे आया कितना, 5 प्लस 2.5, तो जाएगा भी कितना, 7.5 एम्पीयर। देखिए हर एक ब्रांच में करंट आ गया, जल्दी बताइए बच्चों क्या तीनों स्टेप समझ में आए, राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो, जल्दी बताइए बच्चों, क्लास 8 बजे खत्म कर देंगे बच्चों। जल्दी बताइए बच्चों समझ में आया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देखो सबसे पहले हमें लाइव वायर चूज करनी है, फिर किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेना है, फिर हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस हर एक रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर ऐसा हम कर पाए तो हमारे लिए काम इजी बन जाएगा, क्योंकि हमें आई करना और आई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा वी बाय डेल्टा वी बाय आर। जल्दी बताइए बच्चों इतना समझ में आया क्या, राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो, राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। जल्दी बताइए बच्चों इतना समझ में आ गया। चलिए अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, फिर क्लास को ओवर कर देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं और फिर अपनी क्लास को ओवर कर देते हैं, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। आ जाओ देखिए, हमने बोला अभी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मान लो ये हमारे पास ठीक है एक ऐसा सर्किट है, ये सर यहां पे 2 वोल्ट है बच्चों, यहां पे 2 ओम है, यहां पे 1 वोल्ट है बच्चों, यहां पे 1 ओम है। फिर वही पूछा गया, फाइंड करंट अक्रॉस ईच ब्रांच। तो हमारा तो बेसिक लॉजिक क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें एक पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो मान लेना है, कहीं पर भी मानी तो यहाँ पे जीरो मान लिया मैंने, तो अगर ये जीरो वोल्ट है तो ये वाला पॉइंट भी जीरो वोल्ट पे आ गया बच्चों, ये वाला पॉइंट भी जीरो वोल्ट पे आ गया, ये वाला पॉइंट भी जीरो वोल्ट पे आ गया। दूसरा एंड क्या है बच्चों, हमें इसके इस वाले एंड पे आना है, तो देखिए ये जीरो वोल्ट है बच्चों, यहाँ से यहाँ चलो जीरो, यहाँ से यहाँ चलो तो प्लस माइनस से प्लस प्लस, तो ये वाला पॉइंट 2 वोल्ट आ गया। अब ध्यान से देखो ये लाइव वायर है पूरी की पूरी, दिस इज लाइव वायर, तो ये पॉइंट भी 2 वोल्ट, ये पॉइंट भी 2 वोल्ट। अब यहां पे देखो ये पॉइंट 2 वोल्ट है, तो बीच में बैटरी आ गई ना, तो कहां से कहां चले, 2 वोल्ट से लेके प्लस से माइनस, माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों, 1 वोल्ट। बस अब हमारा काम खत्म। देखिए इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो 2 माइनस 0, तो करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, हाईर से लोअर की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, रेजिस्टेंस 2 है, करंट 1 आ गया बच्चों, तो यहां पे 1 एम्पीयर का करंट आ गया। इधर देखो बच्चों, इधर देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1, यहां पे 0, 1 माइनस 0 1 डिवाइडेड बाय 1, तो यहां पर भी करंट 1 एम्पीयर आ गया बच्चों। इस जंक्शन में देखो ऊपर से 1 एम्पीयर आ रहा है, इधर से भी 1 एम्पीयर आ रहा है, तो इधर कितना होगा बच्चों, 2 एम्पीयर। तो सभी ब्रांच में हम करंट निकाल पाए। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है आप लोगों को, सभी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, वाई फॉर यस एंड फॉर नो।
को एंड अप करते हैं, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे अपनी क्लास में रेगुलर टाइम पर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।